हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तंवर और आज हम सेगमेंट नंबर सेकंड्स कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सॉलिड स्टेट। यस, इससे जो प्रीवियस वीडियो किया था उसमें भी कुछ फाइव जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हमने सॉल्व किए थे। उसमें एक मिस्टेक्स हो गए थे, इसलिए मिस्टेक्स कह सकते हैं। उसमें रूट टू की जो वैल्यू मैंने जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें जो रूट टू जो होता है वो क्या होता है 1.41 होता है, बट मैंने जो बाय द मिस्टेक जो है 1.14 लिख दिया था, तो आई एम एक्सटर्नली सो सॉरी। उसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर दीजिएगा, बिकॉज मैंने जो आंसर सोल्व किया था आई थिंक उसके अकॉर्डिंग किया था रूट 1.14 के अकॉर्डिंग। यस, बट उस आंसर को भी एक बार वापस चेक कर देना। यस, तो आज अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सॉलिड स्टेट सेगमेंट सेकेंड लेक्चर सेकेंड या वीडियो सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट है, उस लैटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, दैट मीन्स क्रिस्टल लैटिस में लैटिस पॉइंट जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है या किसके बारे में एक्सप्लेनेशन करता है, किसके बारे में क्या नॉलेज देता है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इज इट इज शो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स में वी कंसिडर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। Lattice point is gives information about exact position of exact position of the constituent particles जिसमें कंसिडर कर सकते हैं अपन एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। In the crystal lattice, yes, ये crystal lattice होता है। उस crystal lattice में क्या करता है, जो constant particle उसका constant particle की position को बता रहा है कि वो position कहाँ पे है, क्या पे, किस जगह पे occupied कर रहा है। yes, ये उसका क्या होता है, significance होता है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है न्यूमेरिकल पोर्शन में लिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, अ कंपाउंड फॉर्म HCP क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर A compound for HCP closed packed structure. What is the total number of voids? In 0.5 moles of crystal lattice.
0.5 मॉल जो है क्रिस्टलाइज्ड टोटल दे रखा है उस या कंपाउंड दे रखा है उसमें 0.5 मॉल में टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स सॉरी टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स क्या है उसको फाइंड आउट करना है. एंड हाउ मैनी ऑफ दिस आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स. Yes. A compound has a HCP closed packed structure. उसमें हमें find out करना है total number of voids present in the 0.5 moles of this compound. And फिर उसमें individually find करना है what is the number of tetrahedral voids in this sample or in this compound. Yes. फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन HCP. वी नो HCP हैज द टू एटम्स. HCP जो होती है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होती है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं टू होते हैं. यस HCP में जेड जो होते हैं कितने होते हैं एट इक्वल टू होते हैं. हमें पता है ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का हम रिलेशन पता कर चुके हैं. यस वी नो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है इक्वल क्या होती है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की इक्वल होती है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है वो ऑक्टाहेड्रल की डबल होती है सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है नंबर ऑफ एटम्स जो यूनिट सेल में होती है उसकी इक्वल होती है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है क्या होती है डबल होती है ऑक्टा की कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ एटम्स की डबल होती है. यस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल की कितनी होगी इसमें टू होगी. यस एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी फोर होगी बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स टू है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है नंबर ऑफ एटम्स की इक्वल होती है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है नंबर ऑफ एटम्स की ट्वाइस होती है या फिर ऑक्टाहेड्रल की ट्वाइस होती है. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हमें पूछा कि 0.5 मोल्स में कितनी वॉइड्स होती. यस 0.5 मोल्स है 0.5 मोल्स में कितनी वॉइड्स होगी. वन मोल सब्सटेंस होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में पूछा है मोल की फॉर्म में वॉइड्स पूछिए तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं एवोगाड्रो नंबर को कंसिडर करते हैं. तो वन मोल जो होता है वन मोल में टोटल जो वॉइड्स होती है कितनी होती है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगी तो 0.5 मोल्स में वॉइड्स होगी कितनी होगी. यस वन मोल में जो टोटल वॉइड्स होती है कितनी होगी नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल्स. 0.5 मोल में वन मोल में जो वॉइड्स होती है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होती है तो 0.5 मोल्स में टोटल वॉइड्स कितनी होगी क्या करेंगे हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को दोनों को कंसिडर करते हैं कितनी होगी. पॉइंट फाइव इंटू 6.022 इंटू 10^20 3 ये तो कौन सी मिली है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिली है ये जी बोलो क्या होगा 3.11 इंटू 10^23 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है क्या होती है 0.5 मोल में ये मिलेगी जो नंबर ऑफ एटम्स की इक्वल होती है वन मोल में इतनी होगी तो 0.5 मोल्स में ही होगी. दिस इज ऑक्टाहेड्रल. टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी कितनी होगी 0.5 मोल में क्या होती है इसकी डबल होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है क्या होती है इसकी डबल होती है तो डबल में क्या कंसिडर करेंगे पॉइंट फाइव मोल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी वो कितनी मिलेगी ऑक्टाहेड्रल की डबल मिलती है दैट मीन्स को क्या करते हैं 0.5 इंटू 2 इंटू 0.6 2 इंटू 10^23 वॉइड्स 10 कर दिया इसको 5 कर दिया ये 2 से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू क्या मिलेगी 6.022 इंटू 10^20
3 voids. This is tetrahedral voids. अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स. तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स में क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल, हमें क्या मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स मिलेगी. Total number of voids is equal to octahedral voids plus tetrahedral voids. Octahedral voids is equal to 3.011 into 10 to the power 20. 3 plus tetrahedral voids 6.022 into 10 to the power 23 is equal to 9.033 into 10 to the power 23. This is total number of voids in the 0.5 moles of crystalline solids. अब हमें इंडिविजुअली पूछिए कि इसमें tetrahedral voids कितनी हैं. तो tetrahedral voids होती है ऑलरेडी पहले ही हम फाइंड आउट कर चुके हैं. तो नंबर ऑफ tetrahedral voids is equal to 6.022 into 10 the power 23. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा. हम यहाँ पे मॉल के फॉर्म में पूछा है आपको 0.5 मॉल्स पूछा था, हम क्या करते हैं एवोगाड्रो नंबर को कंसिडर करते हैं. यस, तो वन मॉल में जो वॉइड्स होती है कितनी होती है, 6.02 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होती, तो 0.5 में कितनी होगी, 0.5 इंटू 6.02 इंटू दिस. यस, अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का रिलेशन देखना है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है, डबल होती है. टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें क्या मिलेगी, 3.011 इंटू 10 द पावर 23 मिली. तो ऑक्टाहेड्रल्स क्या मिलेगी, इंटू 2 कर दो उसको, तो 2 इंटू 10 द पावर 2 इंटू 3.0 इंटू उसको करिएगा, हमें क्या मिलेगी, 6.022 इंटू 10 द पावर 23 मिलेगी. और टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स है टेट्रा प्लस ऑक्टा को ऐड करिएगा, ये हमें क्या मिलेगी, नंबर ऑफ वॉइड्स मिलती है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड कंसीडर कर रहे हैं, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है. An element with a molar mass 2.7 into 10 to the power minus 2 kilogram per mole form a cubic unit cell with edge length of 405 picometer. If its density is a kilogram per centimeter cube,
What is the nature of a cubic unit cell? यस एक क्रिस्टलिक सॉलिड्स है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट का जो मोलर मास हमें दे रखा है कितना 2.7 × 10⁻²⁺ किलोग्राम पर मोल दे रखा है, और यूनिट सेल कैसे बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर टाइप बना रहा है, उसकी एजलन दे रखी है 405 पिकोमीटर दे रखी है, उसके डेंसिटी भी गिवन है 7.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। हमें पूछा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल, दैट इज नेचर यूनिट सेल की कैसी, HCP है, CCP है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। यस सिंपली हम कह सकते हैं इसमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, जेड फाइंड आउट करने है। यस जब भी आपको पूछा कि व्हाट इज नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, नेचर पूछा है इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जेड फाइंड करना। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो गिवन है उसको लिख देते हैं। यूनिट सेल का मोलर मास दे रखा है, एम गिवन है 2.7 × 10⁻²⁺ किलोग्राम पर मोल। यूनिट सेल है, यूनिट सेल की डेंसिटी दी गिवन है, डेंसिटी को डीबी ले सकते हैं या फिर कभी कभी आपको सिंबल रो दे रखा है, रो क्या मैंने भी डेंसिटी है, क्या दे रखी है 7.2 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, और यूनिट सेल की मैं एज लेंथ दे रखी है, ए गिवन है कितना है 405 पिकोमीटर है। पिकोमीटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे, तो 1 पिकोमीटर = आपको ध्यान रखना है 1 पिकोमीटर = क्या होता है 10⁻½ मीटर होता है, = 10⁻¹ सेंटीमीटर। यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यहाँ पे डेंसिटी जो दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, हम पिकोमीटर को भी चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, = मैं लिख सकता हूँ 405 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। यस अब हम इनकी क्या करते हैं वैल्यू को, वही डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वी नो डेंसिटी डी या रो = क्या होता है Z × m a³ × na₀। फाइंड आउट हमें क्या करना है इसमें, जेड फाइंड करना है। जब भी हमें नेचर पूछा है, नेचर का मतलब हमें जेड फाइंड आउट करना है। जेड जो भी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है 2 आ रही है 4 आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं यूनिट सेल की नेचर कैसी है। यस तो देयरफॉर Z = हमें क्या मिलेगा, डेंसिटी इंटू a³ × n/μmass। सभी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, (7.2 kg/cm³)×405 × 10⁻¹¹ सेंटीमीटर³ इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³ डिवाइड बाई मोलर मास 2.7 × 10⁻²⁺। यस यहाँ पे यूनिट जो है सभी मैंने नहीं लिखी, यूनिट आपको लिखना जरूरी है, आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिखना जरूरी है, ताकि आपको पता कि चला कि फाइनली यूनिट क्या आएगी। यहाँ पे अपने क्या लिया, सेंटीमीटर क्यूब लिया है, ये डेंसिटी जीजू दे रखे क्या है किलोग्राम पर मोल के फॉर्म है, ये किलोग्राम पर मोल है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती है वो क्या होती है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनली हमें जेड जो है वो क्या मिलेगा, यूनिट लेस मिलेगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यस हाँ अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन किया 10⁻³० मिल जाएगा, ये 30 से +7 कैंसिल हो जाएगा, 2 यूनिट्स और कैंसिल हो जाएगी, और 405 का हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करना है, = 7.2 × इसका क्यूब करना, मैं इसको चाहूँ तो 3 टाइम लिख सकता हूँ 405 × 405 × 10⁻¹⁰
30 × 6.022 × 10⁻³, 23, 2.7 × 10⁻²-2, 2. यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, हमें क्या मिलेगी, -2 मिलेगी, ये -2 जो कैंसिल हो जाएगा, प्लस की 5 मिलेगी। डेसिमल को और हम यहाँ से ये भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा, इस डेसिमल को रिप्लेस कर देते हैं और फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये आपको क्यूब वगैरह पूरा करके देखना है। फाइनली हमें जो मुझे तो आंसर इसका पता है, फाइनली जो मिलेगा क्या मिलेगा, 3.982 मिल रहा है। अब 3.928 जो है एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे नहीं है, इसमें यूनिट सेल जो मिलती है वो क्या नंबर मिलती है, होल नंबर में मिलती है, एग्जैक्ट मिलती है, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कर देंगे किसके, 4 के। अब जेड की वैल्यू 4 मिली है, दैट मीन्स ये क्रिस्टल लैटिस उसकी यूनिट कैसी होगी, नेचर कैसी होगी, क्यूबिक क्लोज पैक्ट, ये क्रिस्टल लैटिस से कैसा होगा, नेचर ऑफ क्रिस्टल लैटिस होगी CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ट, या फिर हम कह सकते हैं फेस सेंटर के फॉर्म में अरेंज होगा। जेड इज इक्वल 4 मिला है, देयरफॉर नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल या यूनिट सेल कह सकते हैं या किस लैटिस कह सकते हैं इज CCP, ये क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर रखेगा जहाँ पे जेड की वैल्यूज जो होती है क्या होती है, 4 होती है। यस, या फिर इसको FCCP कह सकते हैं, फेस सेंटर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करें तो फेस सेंटर के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ध्यान रखिएगा। यस, हमें क्या पूछा है, नेचर पूछिए, नेचर फाइंड आउट करनी है, दैट इज ऑलवेज हमें क्या करना है, ये जो जेड जो होता है इसको फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में क्या होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स ही क्या करते हैं, यूनिट सेल कैसा है, क्रिस्टलाइटिस किस टाइप का है, उसकी नेचर को डिसाइड करता है। अगर हमें जेड की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली है, तब हम कह सकते हैं नेचर ऑफ यूनिट सेल या क्रिस्टलाइटिस इज HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट है। इफ जेड इज 4 मिला है, दैट मीन्स दैट यूनिट सेल इज क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट में। अगर जेड की वैल्यू 1 मिली है, उस केस में हम कह सकते हैं यूनिट सेल जो होता है क्या होता है, HCP है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब ये ध्यान रखिए, हमें जो यहाँ पे जेड जो मिल रहा है क्या मिला है, डेसिमल के फॉर्म में मिलता है, पॉइंट ऑफ के फॉर्म में मिल रहा है, उसको अपन क्या करते हैं, नियरेस्ट जो होल नंबर को कंसिडर करते हैं राउंड ऑफ में, उसका राउंड ऑफ करते हैं। यस, तो 3.948 जो होता है उसको राउंड ऑफ में हमने क्या कंसिडर किया है, 4 लिया है, और 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसमें मिलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर उसमें मिलते हैं, तो इस यूनिट सेल की नेचर जो होती है, क्रिस्टलाइटिस की नेचर होगी क्या होगी, CCP होगी, क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ एनी सीएल इज डॉप्ड विथ −10⁻³ moles of SRCl2. What is the concentration of cationic vacancies? What is concentration of cationic vacancies? −0.3 mole जो हमने क्या लिया है, मोल परसेंटेज के फॉर्म आइए, दिस इज मोल परसेंटेज, 10⁻³ mole परसेंटेज ऑफ NaCl जो है इसको मैं के साथ हमने क्या किया है, स्टर्नसियम क्लोराइड को क्या किया है, डॉप किया है। स्टर्नसियम क्लोराइड को डॉप करने के बाद पूछा कि व्हाट इज द
कैटानिक वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ कैटानिक वैकेंसीज हमें कितनी मिलेगी, क्या होगी। हमने जो चैप्टर को स्टडी किया था, थ्योरी के पोर्शन पढ़ा था, थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, एक स्ट्रॉन्शियम आयन जो होता है SR2 प्लस आयन जो होता है क्या करता है, टू Na प्लस आयन जो इसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। आउट ऑफ द टू Na प्लस आयन्स वन पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाई SR2 प्लस आयन एंड रिमेनिंग जो है वन वैकेंसीज और प्लेस इज अ फ्री। सो दिस फ्री प्लेस इज नोन एज कैटानिक वैकेंसीज, फ्री वैकेंसी इज नोन एज कैटानिक वैकेंसीज। वन SR2 प्लस आयन जो होता है क्या करता है, इज रिप्लेस टू Na प्लस आयन्स। एक ऐसा प्लस आयन जो होता है क्या करता है, टू Na प्लस आयन्स को रिप्लेस करता है। और एक की जगह जो होती है क्या करते हैं, आउट ऑफ दिस टू वन इज ऑक्यूपाइड बाई SR2 प्लस आयन और एक जो होती है क्या होती है, रिमेनिंग वैकेंसी लेफ्ट पे है। आउट ऑफ दिस टू दैट मीन्स टू आयन को रिप्लेस करना है, मतलब टू वैकेंसी क्रिएट होगी। वन इज ऑक्यूपाइड बाय SR2 प्लस आयन एंड वन इज लेफ्ट बिहाइंड। देयरफॉर जितने SR2 प्लस आयन्स की मॉलर कंसंट्रेशन मिलेगी या नंबर्स मिलेंगे, उतने ही हमें क्या मिलेगी, कैटानिक वैकेंसीज मिलेगी। देयरफॉर नंबर ऑफ कैटानिक वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन्स। इजिकल नंबर ऑफ SR2 प्लस आयन्स। यस, अब हम देखते हैं SR2 प्लस आयन्स कितने मिले हैं उसके बारे में देखते हैं। हमें क्या करना है, मोल के फॉर्म में दे रखा है, मोल परसेंटेज के फॉर्म में रखा है, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको मोल को चेंज करेंगे। मोल परसेंटेज ऑफ SR2 प्लस आयन दे रखे हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ध्यान रखिएगा होता क्या है, आप चाहो तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है कर सकते हो। मोल परसेंटेज ऑफ SR2 प्लस आयन्स, यस, हमें मोल परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, इसको क्या करते हैं, मोल में चेंज करते हैं या मोल्स कर सकते हैं। मोल परसेंटेज गिवन है तो मोल में चेंज करेंगे तो इज इक्वल क्या करेंगे, 10^-3 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, इज इक्वल क्या मिलेगा, 10^5 मोल। कितने मिले हैं, 10^5 मोल्स मिले हैं, किसके मिले हैं, इसी वैकेंसी के मिले हैं, कैटानिक वैकेंसी के। अब 10^5 मोल्स इसमें अपन नंबर ऑफ क्या करते हैं, स्ट्रॉन्शियम आयन फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन जो होता है वन मोल जो है, वन मोल में कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। जब भी नंबर वर्ड आता है तो ऑलवेज एवोगाड्रो को याद रखना है, एवोगाड्रो को याद करना है। जब भी नंबर ऑफ मोल्स यानी आ रहा है, नंबर वर्ड आ रहा है, एवोगाड्रो नंबर को कंसिडर करते हैं। तो वी नो वन मोल इज इक्वल टू क्या होता है, SR2 प्लस आयन इज इक्वल टू कितनी होती है इसमें वर्ड्स या वैकेंसी के फॉर्म में कंसिडर कर दो, कितनी होगी, या नंबर ऑफ SR प्लस आयन्स कितनी होगी, 6.02×10^23 SR2 प्लस आयन्स। देयरफॉर इतने मोल में कितने SR होंगे, 10^5 मोल्स ऑफ SR2 प्लस आयन्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6.02×10^-23 टोटल मोल्स ये कितने हैं, इज इक्वल में क्या होगा, 6.22×10^18 नंबर ऑफ SR2 प्लस आयन्स। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर ऑफ कैटानिक वैकेंसीज होती है इज इक्वल टू SR2 प्लस आयन्स।
इज इक्वल नंबर ऑफ एस आर टू प्लस आयन, एस आर टू प्लस आयन। तो देयरफॉर कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल क्या मिलेगी, सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन दी पावर 18। यस, इतनी क्या होगी कैटायनिक वैकेंसीज होगी, बिकॉज कैटायनिक वैकेंसीज होती है नंबर ऑफ स्टर्नशियम आयंस के इक्वल होती है। एक बार दोबारा समझिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। स्टर्नशियम क्लोराइड इसको क्या करते हैं, डॉपिंग करते हैं किसके साथ में, सोडियम क्लोराइड के साथ में करते हैं। तो उस केस में जो है एक एस आर टू प्लस आयंस क्या करता है, टू एन ए प्लस आयंस को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। आउट ऑफ दिस टू एस आर एन ए प्लस आयंस या वैकेंसीज रिप्लेस करने का मीनिंग है वैकेंसी भी उतनी ही क्रिएट होगी। आउट ऑफ दिस टू वैकेंसीज वन वैकेंसीज इज ऑक्यूपाइड बाई एस आर टू प्लस आयंस, और पीछे जो एक वैकेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, फ्री रहेगी। उसको पॉजिटिव होल कह सकते हैं, फ्री वैकेंसी कह सकते हैं, कैटायनिक वैकेंसी कह सकते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं इस टाइप के जो क्रिस्टलिक सॉलिड्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ वॉइड्स होती है कितनी होती है, स्टर्नशियम आयंस के इक्वल होती है। और हमें दे रखा है मोल परसेंटेज दे रखा है, टेन दी पावर थ्री मोल परसेंटेज माइनस थ्री मोल परसेंटेज दे रखा है, उसको क्या किया है मोल में चेंज कर दिया है। तो उसको डिवाइड बाई हंड्रेड कर दिया है, मोल परसेंटेज को मोल में चेंज किया तो डिवाइड बाई हंड्रेड कर दिया है, टेन दी पावर माइनस फाइव मोल्स आए। तो टेन दी पावर माइनस फाइव मोल्स ऑफ स्टर्नशियम आयंस, उसमें हमें क्या करना है एस आर टू प्लस आयंस कितने होंगे, हमने क्या किया उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज वन मोल में जो एवोगाड्रो नंबर नंबर ऑफ आयंस होते हैं एटम्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। देयरफॉर टेन दी पावर माइनस फाइव मोल्स उसमें हमने क्या किया एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला टोटल नंबर ऑफ स्टर्नशियम आयंस मिले हैं। और स्टर्नशियम आयंस होते हैं किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। यस, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज दिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या होगा हमारा, आपका फर के स्लाइस इंटू एफ सी सी लैटिस विथ एज लेंथ इज थ्री पॉइंट सिक्स वन इंटू टेन दी पावर माइनस एट सेंटीमीटर, सो दैट द कैलकुलेट डेंसिटी इज in agreement with its major value of 8.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें कॉपर क्रिस्टल दे रखा है, उसकी स्ट्रक्चर जो है कैसी है, अरेंजमेंट जो है कैसा है, एफसीसी है, फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है। और उस कॉपर क्रिस्टलिक जो फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है उसकी एज लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है, 3.61 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर दे रखी है। शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी। यस, हमें क्या पूछा है, हमें पता करना है कि कैलकुलेटेड डेंसिटी होगी क्या होगी, और जो हमने जो पहले जो मेजर डेंसिटी उसकी वैल्यू जो क्या मिली है 8.29 ग्राम पर सेंटीमीटर मिली है। आपको शो करना है कि ये कैलकुलेटेड डेंसिटी जो मिली है क्या इससे मैच हो रही है, मतलब इसके साथ इसका एग्रीमेंट है या नहीं। एग्रीमेंट का मीनिंग होता है ये जो मेजर डेंसिटी जो है
मेजर डेंसिटी जो 8.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो मिल रही है, क्या वो कैलकुलेटेड डेंसिटी इसके सेम मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको हमें प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है। ये जो मेजरमेंट के थ्रू मैंने डेंसिटी फाइन की, अब हमें क्या करना है, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन के थ्रू जो मिलने वाली डेंसिटी जो होती है वो मेजर डेंसिटी के साथ इसका एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मीनिंग होता है क्या ये उसके इक्वल या उसके अप्रोक्सीमेटली आ रही है या नहीं आ रही है, इसको हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है। यस, हम इसमें गिवन क्या है, पहले तो हमें क्या करना है, इसकी जो एज लेंथ दे रखी ये गिवन है 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर दे रखी है। नेचर ऑफ यूनिट सेल दे रखी है, जेड कैसा है, एफसीसी है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी एफसीसी के लिए। नंबर ऑफ एटम्स है, जेड जो है क्या है 4 है। यस, और हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमें ये पता है एवोगाड्रो नंबर हमें रखना है कितना होता है 6.022 × 10⁻²³ होता है। और दूसरा हमें कॉपर जो क्रिस्टल रखा है, कॉपर का मोलर मास हमें नहीं दे रखा है, लेकिन ये भी बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है गिवन होती है, लेकिन कॉम्पिटेटिव वगैरह जो होता है उसमें नहीं दी होती है। तो यहाँ पे कॉपर का जो मोलर मास होता है ये आपको रखना है कितना होता है 63.5 के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। यस, कॉपर का जो मोलर मास होता है कितना होता है 63.5 होता है, ये आपको लाइन रखना पड़ेगा। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, कैलकुलेटेड डेंसिटी फाइंड करनी है। सो वी नो डेंसिटी रो इज इक्वल टू पी भी ले सकते हो, रो भी ले सकते हो, एक ही बात है, सॉरी डी भी ले सकते हो। इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए नॉट या एन ए, सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे। जेड इज इक्वल टू क्या है 4 है, मोलर मास कितना है कॉपर का 63.5 आ रहा है, और एज लेंथ कितनी दे रखी है 3.6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसका होल क्यूब कर देंगे। और एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.022 × 10⁻²³ दे रखा है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो 22 की जगह 23 भी मिल सकता है, लेकिन मैं जो है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 23 की जगह मैं 22 ले रहा हूँ, ताकि यहाँ पे अगर कोई इवन नंबर है इवन नंबर से ईजिली कैंसिल आउट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं इवन नंबर के फॉर्म में आते हैं, इसको अपन ईजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं। यस, तो इन सभी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते थे, हमारे पास क्या मिलेगी, इसका क्यूब करना, इन सभी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो आंसर जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा क्या मिलेगा 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या मिला है 8.96 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो हम सिंपली कह सकते हैं 8.96 और 8.29 जो होती है ऑलमोस्ट इक्वल है, आइडेंटिकल तो नहीं कह सकते हैं। यस, बिकॉज मेजरमेंट और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है वो उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, इसमें कुछ न कुछ तो अनसर्टेनिटी रहती ही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये मैन जो इस नंबर को देखना है 8 और 8, डेसिमल 8 के बाद में जो है क्या नंबर है, क्या चेंज हो रहा है, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू जो मेजर वैल्यू हो और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, ऑलमोस्ट जो है मैच हो रही है, सिमिलर आ रही है लगभग, दिस इज ऑल्सो मेजर्ड डेंसिटी। यस, ये जो होती है मेजर डेंसिटी के क्या होती है, इक्वल आती है, दिस इज ऑल्सो क्लोज टू मेजर डेंसिटीज। यस, ये हमें प्रूव करना था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज मैंने जो भी की है, आज नहीं मैं रेगुलर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जितने भी बन सकते हैं सभी के जो सॉल्यूशन के साथ जो है मैं रेगुलर इनकी वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन जो भी सॉल्व करा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। तो माई यूट्यूब चैनल से उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।